रेटिविस कैप्सूल जो कि बनाई जाती है अजंता फार्मा के द्वारा बनाई जाती है। 10 कैप्सूल का ये पूरा स्ट्रिप रहता है जिसका MRP 180 रुपीज़ रहता है। ये कैप्सूल जिसके अंदर लाइकोपिनिया, एल ग्रिकटिन, कॉपर सल्फेट एंड बीटा कैरोटोन्स डाला गया है जो कि यूजफुल रहता है बहुत सारे केसेस के लिए, जैसे कि नर्व सेल्स, मसल्स, बोन्स, इन सब के लिए यूजफुल रहता है। तो इस वीडियो में मैं इसका यूजर्स, बेनिफिट, साइड इफेक्ट, कैसे यूज होता है, ड्रग कैसे काम करेगा, सेफ्टी एडवाइस क्या रखने का, डोज मिस हो जाए तो कैसे लेने का, और इसका सब्स्टिट्यूट कौन कौन सा अवेलेबल है, तो वो सब बातें इस वीडियो में मैं शेयर करूँगा ताकि आपको रेटिविस कैप्सूल्स के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है, मेडिकल स्टूडेंट और हेल्थ केयर स्टूडेंट के एजुकेशन पर्पस के लिए। तो कोई भी मेडिसिन या कोई भी दवाई लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर ले। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद। रेटिविस कैप्सूल जो कि बनाई जाती है अजंता फार्मा के द्वारा बनाई जाती है। 180 रुपीस का 10 कैप्सूल का पूरा स्ट्रिप रहता है जो कि एक डाइटरी सप्लीमेंट है जो कि हेल्प करती है सेल के ग्रोथ को और मेंटेन करके रखती है। इस कैप्सूल को लेने से क्या होता है कि बॉडी का फंक्शनिंग प्रॉपर होता है, कम हो जाता है जो डेफिशेंसी होती है, जो फूड के साथ प्रॉपर नहीं मिलता तो उसमें यह हेल्प करता है। और ये लेने से क्या होता है कि जो हड्डियाँ रहती है उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करती है और आयरन की डेफिशेंसी को कम कर देती है। इसके अंदर कंटेंट की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट डाले गए जैसे कि लाइकोपिनिया, एल आर्गिनिन, कॉपर सल्फेट एंड बीटो कैरोटेन्स डाला गया है जो कि क्या करते हैं कि RBC को बनने में हेल्प करते हैं और कम कर देते हैं आयरन की डेफिशिएंसी को। ये इम्यूनिटी बूस्ट देते हैं जिससे क्या होता है कि इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रॉपर होता है और इसको लेने से आयरन जो ब्लड के अंदर रहना चाहिए वो रहता है, विटामिन जो रहना चाहिए वो रहता है और नॉर्मल फंक्शनिंग करता है सेल्स, नर्व्स और मसल्स और बोन्स। तो इसको यूज़ किया जाता है डॉक्टर की सलाह से। तो इस कैप्सूल के बारे में अगर आपको कुछ भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज जो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है वहाँ पे पूछ सकते हो। चैनल पे और वीडियो पे पहली बार आप विजिट किए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको दबाएं ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।